हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन पेपर का यूनिट 6 रिसर्च इन एजुकेशन, एंड रिसर्च इन एजुकेशन में हम पार्ट ए ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं इस समय पार्ट बी, और पार्ट बी भी आपका ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है। पार्ट बी में आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है टूल्स ऑफ रिसर्च। तो टूल्स ऑफ रिसर्च में हम वैलिडिटी को पढ़ रहे थे। वैलिडिटी में भी हम कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिडिटी एंड टाइप्स ऑफ वैलिडिटी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वैलिडिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, वैलिडिटी पे इफेक्ट डालते हैं। तो एक एक करके हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो पहला पॉइंट है लेंथ ऑफ द टेस्ट। लेंथ ऑफ द टेस्ट का क्या मतलब है? जैसे कि कोई भी हम टेस्ट बनाते हैं, है ना, आप रिसर्च करेंगे, रिसर्च करने के लिए जब आप अपने डेटा कलेक्शन के लिए जाते हो तो डेटा कलेक्शन के लिए आपको एक टूल बनाना पड़ता है ना, क्वेश्चनायर बनाना पड़ता है। तो उस क्वेश्चनायर में आपके आइटम्स होते हैं, ठीक है। तो इस लेंथ ऑफ द टेस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर जो आपके क्वेश्चनायर में ये टूल में कम आइटम्स हैं, यानी कम क्वेश्चंस हैं, तो आपकी जो क्वेश्चंस कम होंगे, आइटम्स कम होंगे, तो वहाँ पे जो टेस्ट की वैलिडिटी है वो इफ़ेक्ट करेगी, है ना। टेस्ट की वैलिडिटी तब अच्छी नहीं मानी जाएगी, यानी जितने ज़्यादा आप आइटम्स अपने टेस्ट में रखेंगे, उस टेस्ट की रिलायबिलिटी या उस टूल की वैलिडिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी, है ना। तो जैसे एक टूल लेंथ टूल की अच्छी होगी तो वैलिडिटी क्या होगी आपकी, हाई होगी। लेंथ अगर जो अच्छी होगी तो वैलिडिटी आपकी टूल की हाई होगी। अगर जो लेंथ ऑफ द टेस्ट कम होगी, नंबर ऑफ आइटम्स आपने बहुत कम डाले हैं, तो जो आपकी टूल की वैलिडिटी है वो घट जाएगी, ठीक है। तो वैलिडिटी कम हो जाएगी, ऐसे ही वाइस वर्सा चलता है। नंबर ऑफ आइटम्स मोर, वैलिडिटी विल बी हाई। नंबर ऑफ आइटम्स लेस, वैलिडिटी विल बी लो। तो इसीलिए अगर जो हमारे टेस्ट का या टूल की लेंथ सही नहीं है, अच्छी नहीं है, तो हमारी वैलिडिटी भी अच्छी नहीं मानी जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप नंबर ऑफ आइटम्स या अपने टूल बनाएं तो नंबर ऑफ आइटम्स 3 गुना या 4 गुना रखें, ताकि जब आप एक्सपर्ट्स के पास अपने टूल के लिए जाते हैं, है ना, वैलिडिटी चेक कराने के लिए, जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ वैलिडिटी पढ़ी, तो उसमें क्या होता है कि आपके जो आइटम्स होते हैं वो हटाए भी जाते हैं। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो बहुत वेग होते हैं, है ना, सही से डायरेक्शन नहीं बता रहे होते। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनकी कुछ आइटम्स हैं उनकी डिफ़िकल्टी वैल्यू ज़्यादा होती है, या डिफ़िकल्टी वैल्यू किसी की बहुत ज़्यादा है, किसी की बहुत लो है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्वेश्चनार में ऐसे होते हैं जिनको जब हम एक्सपर्ट्स के थ्रू वैलिडेट करवाते हैं तो उनको हमें हटाना पड़ता है। इसीलिए हमें अपने टेस्ट की जो लेंथ है इतनी रखनी चाहिए जिससे जो लेंथ है टेस्ट की, या जो टेस्ट है आपका, जो टूल है, उसकी वैलिडिटी पे फ़र्क ना पड़े। अगर जो नंबर ऑफ आइटम्स आप अपने टेस्ट में या टूल में कम रखेंगे तो वहाँ पे वैलिडिटी इफेक्ट करेगी, है ना, वैलिडिटी लो हो जाएगी। अगर जो आप नंबर ऑफ आइटम्स ज़्यादा रखेंगे तो आपकी वैलिडिटी हाई रहेगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बेसिकली जैसे हो गया कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, पीएचडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं इन कंपैरिजन टू नेट के एग्जाम में। नेट के एग्जाम में अगर पूछा भी जाएगा तो रीजन और असर्शन के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये सारे फैक्टर्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वैलिडिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेंज ऑफ एबिलिटी को हम सैम्पल हेटरोजेनिटी भी बोलते हैं। रेंज ऑफ एबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि सपोज जो भी आपके टेस्ट स्कोर्स आएंगे, उस टेस्ट स्कोर्स में जो एबिलिटी है वो ज़्यादा नहीं होगी, यानी कि जो आपका रेंज है वो ज़्यादा नहीं होगा, रेंज कम पाया जाएगा, तब वहाँ पे भी जब रेंज कम पाया जाता है टेस्ट स्कोर्स में, यानी कि रेंज वाइडर नहीं होते हैं, तब हमारी जो वैलिडिटी है तब भी वैलिडिटी इफेक्ट करती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो भी आपके आइटम्स हैं, क्वेश्चंस हैं आपके टूल में, तो उसमें होमोजेनिटी होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा हेटरोजेनिटी होगी आपके टेस्ट के अंदर, उतनी ही लो वैलिडिटी होगी,
इसीलिए टेस्ट हमेशा होमोजीनियस होना चाहिए, हेटरोजीनियस नहीं होना चाहिए। देन आपका एम्बिगुअस डायरेक्शंस। एम्बिगुअस डायरेक्शंस का यहाँ पे ये मतलब है कि जैसे आपने कोई टेस्ट बनाया, अब टेस्ट जब आप बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि टेस्ट में ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, है ना, इंस्ट्रक्शंस या इम्पोर्टेंट नोट्स करके लिखा होता है, जिसमें जिसे आप जब अपने टेस्ट को एडमिनिस्टर करते हैं तो जो भी आपके सैंपल हैं वहाँ पे उनको आप डायरेक्शन देते हो कि आपको इन इन बातों का ध्यान रखना है, आपको कैसे टूल भरना है, है ना। तो ये क्या है कि अगर जो आपने डायरेक्शन सही से नहीं दिए हैं, ये तो हो गई डायरेक्शंस की, ऐसे ही जो आपके आपने अपने टूल में नंबर ऑफ जो आइटम्स रखे हैं या जो क्वेश्चंस हैं आपके टूल के अंदर, अगर जो वो क्या है, एम्बिगुअस नहीं है, है ना, यानी कि वो बहुत ही वेग हैं, डायरेक्शन हमें सही से नहीं बता रहे हैं, तब भी क्या होता है कि जैसे हमने एडमिनिस्टर किया, अब कुछ बच्चों ने या कुछ स्टूडेंट्स ने या कुछ सैंपल ने अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट किया, कुछ बच्चों ने उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट किया, तो यहाँ पे होता क्या है कि तब जब सैंपल को आसान सही से समझ में नहीं आता है कि इस टूल को हमें कैसे भरना है या इस टेस्ट को हमें कैसे करना है, तो वहाँ पे जो आपकी गेसिंग एरर्स आ जाती हैं, ठीक है, यहाँ फिर क्या आएंगे, आपकी गेसिंग एरर्स आएंगी कि जो भी आपका सैंपल होगा वो जो भी टूल या जो भी क्वेश्चनर भरेगा या जो भी टेस्ट करेगा वहाँ पे वो गेस करके करेगा। तो अगर जो आपके टूल में गेसिंग एरर्स ज़्यादा आ रही हैं तो वो फैक्टर भी वैलिडिटी को इफेक्ट करता है। इसीलिए जो डायरेक्शंस आप दीजिए वो बिल्कुल स्पेसिफिक और क्लियर होने चाहिए ताकि रिस्पोंडेंट को आसानी से समझ में आ सके। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस। सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस भी आपका मेजर रोल प्ले करता है इफेक्टिंग वैलिडिटी के इन्फ्लुएंस करने के लिए, यानी कि अगर जो आपने कोई टेस्ट बनाया है ना, जब अब हर एक कल्चर के की हर एक कल्चर की जो स्टेटस है वो अलग अलग होता है ना, किसी की लैंग्वेज डिफर है, किसी का सोशियो इकोनॉमिक डिफर है ना, तो इस तरीके से हर एक इंडिविजुअल की जो सोशियो कल्चरल होता है वो डिफरेंस होता है। तो इसीलिए आपको टेस्ट बनाते वक्त इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है ताकि जो आपका वैलिडिटी है वो उस पर असर ना पड़े, ठीक है। तो सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस टूल को बनाते वक्त आपको अपने माइंड में रखना है ताकि सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस इफेक्ट ना करें आपके टेस्ट को। देन है आपका एडिशन ऑफ इनएप्रोप्रिएट आइटम्स। एडिशन ऑफ इनएप्रोप्रिएट आइटम्स का मतलब ये है कि सपोज आपने कोई टेस्ट बनाया, सपोज आपने एजुकेशन का टेस्ट बनाया या एजुकेशन का टूल बनाया या आपने एप्टीट्यूड टेस्ट बनाया, तो अब आपने उसमें ऐसे आइटम्स रख दिए जो कि एप्टीट्यूड से रिलेटेड ही नहीं है, तब भी क्या होगा, आपकी वैलिडिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए इनएप्रोप्रिएट आइटम्स को भी हमें अपने टूल में नहीं इंक्लूड करना चाहिए, उनको इंक्लूड करने से बचना चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि वैलिडिटी को इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर आपका लेंथ ऑफ द टेस्ट, यानी कि अगर जो आपका आपके टेस्ट की लेंथ कम होगी, है ना, नंबर ऑफ आइटम्स आपने बहुत कम रखे हैं तो आपके टेस्ट की वैलिडिटी उतनी ही कम होगी, नंबर ऑफ आइटम्स आप अपने टेस्ट में बढ़ाएंगे तो आपके टूल की वैलिडिटी ज़्यादा हो जाएगी। देन आपका रेंज ऑफ एबिलिटी, यानी कि जो भी रेंज हो या जो भी टेस्ट आप अप्लाई करो उसमें होमोजेनिटी होनी चाहिए, अगर जो हेटरोजेनिटी पाई जाएगी आपके टेस्ट के अंदर तो वो वैलिडिटी पे फर्क डालेगी। देन है एम्बिगुअस डायरेक्शंस, हमें जो भी डायरेक्शंस देने हैं वो बिल्कुल सही डायरेक्शंस होने चाहिए ताकि हर एक इंडिविजुअल जो रिसर्चर कहना चाह रहा है उसको वो समझ सके, समझ के जो गेसिंग एरर्स हैं वो ना हो सके। अगर जो ऐसा नहीं होगा तो आपके टूल में गेसिंग एरर्स ज़्यादा आ जाएंगी और वो भी आपकी वैलिडिटी को इफेक्ट करेगी। देन सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस को भी आपको ध्यान में रखना है, साथ ही साथ इनएप्रोप्रिएट आइटम्स को अपने टूल में डालने से बचना है। तो ये आपके कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं वैलिडिटी को। आई होप आपको आसानी समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके एनटीए नेट एग्जाम के लिए, साथ ही साथ पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए एंड वेरियस असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी।
तो पहले हम इस पॉइंट से समझेंगे कि ये क्या बताना चाह रहा है, देन हम एग्जांपल से समझेंगे। पॉइंट है, वैलिडिटी इज द कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट विद सम आउटसाइड इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया। यानी वैलिडिटी क्या है कि एक आउटसाइड इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया होता है, उसका कोरिलेशन है, यानी कि किसी जो हमारा ऐसा कोई क्राइटेरिया है जो इंडिपेंडेंट है, उससे जब हम रिलेट करते हैं, है ना, कोरिलेशन निकालते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, वैलिडिटी। एंड रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट इज द सेल्फ कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट। रिलायबिलिटी क्या है, सेल्फ कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट है, यानी कि जब हम रिलायबिलिटी की क्या होती है, कंसिस्टेंसी, यानी कि आपने कोई टेस्ट दिया बच्चों को और आज के टर्म में बच्चे का एक स्कोर आया, जब आप कुछ दिन बाद या बाद में फिर टेस्ट देते हैं और बच्चे का स्कोर है वो सेम या आइडेंटिकल आता है, उसके स्कोर में कंसिस्टेंसी बनी रहती है, तो वो क्या होता है, हमारा रिलायबिलिटी होती है। तो रिलायबिलिटी क्या है, सेल्फ कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट है। एंड वैलिडिटी क्या है, कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट विद सम आउटसाइड इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखना है, रिलायबिलिटी इज अ सेल्फ कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट, ये रिलायबिलिटी ऑफ द सेल्फ कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है और नेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। देन वैलिडिटी क्या है, कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट विद सम आउटसाइड इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया। तो ये तो हुआ आपकी थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज में, अब आपको मैं इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल से आसानी से याद रहे। जैसे एक क्लॉक है, ठीक है, अब क्लॉक क्या है, हमें टाइम बताती है, ठीक है। अब क्लॉक हमें जब टाइम बताती है तो क्लॉक कैसी है, वैलिड है, क्योंकि हमें ये टाइम बताएगी। और टाइम भी चाहे वो गलत बताए, चाहे वो सही बताए, चाहे वो घड़ी धीरे धीरे चले, मतलब कोई भी है, मतलब कोई भी टाइम बताएगी, वो सही हो गलत भी बता सकती है। तो घड़ी का काम है टाइम बताना, तो ये क्या हो गया, घड़ी होगी हमारी वैलिड, ठीक है। अब क्या हो गया, सपोज ये वॉच हमें अभी, अगर टाइम हो रहा है एक, तो कुछ देर बाद भी ये एक ही बजा रही है या बहुत स्लो 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 चल के हमें गलत टाइम बता रही है, तो क्या हुआ कि ये जो वॉच है, ये क्या है, या क्लॉक है, ये रिलायबल नहीं है। रिलायबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमें हर बार गलत टाइम बता रही है, ठीक है। तो वॉच क्या हो सकती है, रिलायबल नहीं हो सकती। अब बोर्ड पे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2017 में ये क्वेश्चन आया था और रिपीटेडली ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम में पूछा जा रहा है। साथ ही साथ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में जो लेक्चरार के एग्जाम्स होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया हुआ है और पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ नेट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी अगर एजुकेशन से रिलेटेड आप वेरियस टीचिंग एग्जाम्स देते हैं तो उनसे भी रिलेटेड है। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन मैचिंग में आया हुआ है, तो मैचिंग वाले क्वेश्चंस करने की मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, तो हमेशा उन ट्रिक्स का इस्तेमाल करिए क्वेश्चन करते वक्त। तो पहला है अचीवमेंट टेस्ट, दूसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर है पर्सनालिटी टेस्ट एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। लिस्ट बी में आपको, लिस्ट टू में दिया हुआ है, यानी एक तरफ आपको टेस्ट दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपकी वैलिडिटी दी हुई है, तो टेस्ट को वैलिडिटी के साथ आपको मैच करना है। तो लिस्ट बी में वैलिडिटी दी है पहले नंबर पे, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ये सारे टाइप्स की वैलिडिटी मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो सबसे पहले आपको पता है कि अचीवमेंट टेस्ट में हमेशा हम कंटेंट वैलिडिटी देखते हैं। ये मैंने आपको जब कंटेंट वैलिडिटी पढ़ाई थी तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था। तो अब देखिए, अब हमें अगर जो एक पता है तो एक से हम सही आंसर तक भी पहुंच सकते हैं। तो अभी देखिए, ए का क्या है, टू, है ना। तो अब देखिए, ए का टू यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, ये अब ये इस कोड में आपको ए का टू कहाँ पे लिखा हुआ है वो देखिए। तो ए का टू सिर्फ और सिर्फ पहले ही पहले वाले ऑप्शन में है, तो बाकी हम और भी देख लेते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट हम प्रिडिक्टिव वैलिडिटी में देखते हैं, तो बी का क्या हो गया आपका, वन। देन हम बात करते हैं पर्सनालिटी टेस्ट की, तो पर्सनालिटी टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट, अभी इन दो टेस्ट को हम होल्ड कर देते हैं क्योंकि सबसे आसान हमारे ये दो टाइप के टेस्ट हैं और इनमें हम आसानी से अपना जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम पहले कर सकते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट बी का वन। तो अब देखिए,
बी का वन किसमें दिया हुआ है? एक मिनट, ठीक है, तो आपका जो बी का वन है वो थर्ड वाले में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका थर्ड ऑप्शन है ये ऑप्शन क्या हो गया? सही आंसर हो गया। ठीक है, देखिए आपको एक पता था, एक से आप सही आंसर तक पहुंच गए, बाकी आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, लेकिन बाकी भी आपको पता होने चाहिए। तो अचीवमेंट टेस्ट इज रिलेटेड टू कंटेंट वैलिडिटी, एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, पर्सनालिटी टेस्ट कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्योंकि पर्सनालिटी का टेस्ट आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी कैसी है, बहुत ही वेग डेफिनेशन है पर्सनालिटी की, हम पर्सनालिटी को एक एस्पेक्ट से नहीं देख सकते, पर्सनालिटी के वेरियस एस्पेक्ट हैं। तो इसलिए अगर जो आप कोई टेस्ट बनाते हैं तो वो क्या हो, उसमें आप जब पर्सनालिटी का टेस्ट बनाएंगे तो उसमें आप कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को देखोगे। देन हम बात करते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट की, तो परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या करोगे आप? कंकरेंट वैलिडिटी को देखोगे। ठीक है, तो ये है आपके ऑप्शंस, यहाँ पे इधर चार दिए हुए हैं, इधर आपके पांच दिए हुए हैं, तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए रहते हैं, तो जिससे आप थोड़ा कंफ्यूज हो गलत क्वेश्चन कर बैठे, लेकिन आपको जो ट्रिक मैंने बताई है क्वेश्चन करने की, आप उसी से ही क्वेश्चंस करिए। और इसी तरीके से आपसे वैलिडिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, डेफिनेशन भी कभी कभी आ जाती है, तो डेफिनेशन बहुत ईजी है, आप आराम से पकड़ लेंगे कि वो वैलिडिटी की ही बात की जा रही है, बट इस तरह के क्वेश्चन कौन से टेस्ट में किस तरह की वैलिडिटी लगेगी, थोड़े से क्वेश्चन टफ माने जाते हैं, लेकिन मैंने आपको हर एक वैलिडिटी में बताया है कि इसमें कौन सी टाइप का टेस्ट आएगा। तो इस क्वेश्चन से भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन वैलिडिटी से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। तो वैलिडिटी से रिलेटेड जितने भी आपको और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले आप उनको करिए, ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को पिन कर सकते हैं, मैं उसको आपको आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर जो वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो, बिकॉज नेट का एग्जाम भी आने वाला है, तो ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू।